सबसे पहले मैं तलावत कुरान पाक के लिए ज़हमत दूंगा हामिस जमील को, स्टेज पे आए। और दुरान तलावत आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियाचिन के इलाके में हमारे फौजी जवान मुसीबत में हैं। कल भी एक पाकिस्तान में एक हादसा हुआ है भोजा एयरलाइन का, तो आपसे दरख्वास्त है कि उन सबके लिए दुआए मगफरत और दुआए खैर करें। तो हामिस जमील। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول। ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या बर्ताव किया? क्या उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया और उन पर उड़ती हुई अबाबील को भेज दिया जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकड़ियां मार रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सदाकल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया हामिस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौजूद सामीन इकराम, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मेरे मौजूद मेहमान ग्रामी जनाब फिरोज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बनने के दिन कायद आजम ने पाकिस्तान के पहले थिंक टैंक की बुनियाद रखी, जिसका मकसद पाकिस्तान को एक रिफाई रियासत बनाना था। पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाना था जिसमें लोग अपने इस्लामी तर्ज जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें, और इस काम के लिए मौलाना अलामा मोहम्मद असद को इसका सरबराह चुना गया। मैं एक थोड़ी सी एक दो जुमले हैं जो अलामा मोहम्मद असद की पहली तकरीर जो पाकिस्तान बनने के 15 दिन के बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर की, उससे थोड़ा सा इकतबास है। अलामा फरमाते हैं कि दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी सच्चाई ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद, आरजू और मुतालबा यह है कि हम पाकिस्तान में कलमा तैयबा के मुताबिक अपने तर्ज जिंदगी को आजादाना तरीके से आजमा सकें। हम एक इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं। इस नस्ल पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वह इस आजाद मुल्क का तशख्स, इस्लामी तर्ज जिंदगी मंशूर सारी दुनिया पर वाजे करें। हम अपनी हर गलती को तस्लीम करें, अपनी हर खामी की निशानदही करें और इसका वाज़े हल तलाश करें। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन वॉज द नेम ऑफ दिस थिंक टैंक। इनकी पहली सिफारिशात जो 3 महीने के बाद कायदे आज़म को पेश की गई, 2 महीने के बाद, इसमें सिर्फ 4 शोबों पर तवज्जो देने पर जोर दिया गया। नंबर 1 तालीम, नंबर 2 मुआशियात और कवानीन तजारत, नंबर 3 आइन की तरतीब, नंबर 4 मिल्लत की फलाह। आज 65 साल के बाद ये तकरीर आज की हकीकत है। आज 65 साल के बाद पाकिस्तान को फिर से अपनी बका की जंग का सामना है। आज 65 साल के बाद पाकिस्तान को कायदे आजम के अजम और इकबाल की सोच की जरूरत है। आज 65 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इन्हीं 4 शोबों पर तवज्जो देने की सिफारिश कर रही है। आज की तकरीब का अहतमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ रिसर्च विंग ने किया है। ये इसी जिद्दोजहद का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली जमात है जो अपने सियासी मंशूर को अमली जामा पहनाने के लिए कोशां है। आज की तकरीब में मेरे साथ 4 मुकर्रर हजरात मौजूद हैं। इनकी खिताब के बाद आपको क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप अपने सवालात पूछे जा सकते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि फिरोज खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। फिरोज खान साहब हमें आज पीटीआई की पॉलिसी जो इस वक्त हैं और जो बन रही हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट वो हमें ये बताएंगे कि एक आम कारकुन इंग्लैंड के अंदर रहते हुए कैसे इस पॉलिसी साज पूरे अमल का हिस्सा बन सकता है। यही पीटीआई की बात है कि पीटीआई एक नए तरीके की जमात है। हर बंदा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
अलामा इकबाल ने कहा है, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। हम सब की पहचान हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ये मौका दे रही है कि इस तहरीक का हिस्सा बन सकें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकें। मैं सबसे पहले ज़हमत दूंगा अपने पहले मेहमान को, इनको एक खास एजाज हासिल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले इलेक्टेड प्रेजिडेंट हैं। इस अमल का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द पाकिस्तान में कर रही है, लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड में इलेक्शन करवाए गए हैं। मेरे मेहमान मास्टर्स डिग्री इन्होंने की सैटेलाइट एंड मोबाइल कम्युनिकेशंस में, बहुत वसी तजर्बा रखते हैं, इन्होंने काम किया ब्रिटिश एरोस्पेस में, वोडाफोन में, अभी भी एक सीनियर कंसल्टेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं। ये आज हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके के मकासद और मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी कार कुशा कार साज। जनाब आसिम खान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ जी। सही, पहले तो ये बेसिकली आज के इस इवेंट के हवाले से, जैसे काशिफ ने बताया कि इसके मकासद क्या होंगे, किस तरीके से फिरोज खान साहब, असद कवि अवान साहब बताएंगे, लेकिन पहले ये कि कल के हवाले से अपना जो फ्राइडे को हुआ है क्वेटा का, इट वॉज अ ब्रिलियंट डे, वी हैव मेड द हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। जो एक डर की जो एक फिजा थी वो खत्म हो गई है और उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ बाजार भी खुले हुए हैं एंड पीपल आर एक्चुअली जुबिलेटिंग दिस। तो एक बहुत बड़ी एफर्ट थी और जिसमें और उसके साथ साथ वी हैड लॉन्च्ड, जैसे कहते हैं ना कि एक दो दिन पहले एक कंपेन भी की थी, उसके हवाले से भी मैं इस वक्त यहाँ खड़ा होकर उन सारे पीटीआई मेंबर्स का जो यूके के अंदर हैं या अराउंड द ग्लोब हैं, पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दैट, तो उसका भी शुक्रिया। जैसे काशिफ ने कहा कि यूके के अंदर हम यहां बैठ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं पीटीआई के साथ काफी अरसे के साथ लगे हुए हैं, किस तरीके से हम जो है एक पाकिस्तान के लिए इस चीज को जो है आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, तो उसके दो मकासद हैं बेसिकली। एक तो ये कि यहां डिसेंट्रलाइजेशन हो चुकी है, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर आपकी इलेक्टेड बॉडीज हैं और वो काम कर रही हैं, और उनके काम के जो दो मेजर पहलू हैं कि एक आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारी पार्टी को जो है फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो फंड रेजिंग भी होती है, मेंबरशिप कैंपेन्स भी होती हैं, उसके साथ साथ आप जो है लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लोग जिनके पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज हैं, हल्का अहबाब है, उनको उनके जरिए पता चलता है, तो इस तरीके से जो है ना एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो उस हवाले से जो है यहाँ काफी सारी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं हमारे इन पिछले दो महीने के अंदर। ईस्ट लंदन के अंदर काफी फंक्शंस हुए हैं, फौजिया कसूरी साहब आई हुई थी, फिर मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, मेम्बर्स के साथ कन्वेंशन जिसके अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी थे, और जैसे हमें पता चला कि फिरोज खान साहब आ रहे हैं तो आई थॉट के इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के जिसके अंदर जो है ये चीज पहले यहाँ कभी नहीं हुई कि एक हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपकी जो है पॉलिसीज के ऊपर, क्योंकि हमारे से बारहा दफा पूछा जाता है कि मीडिया के अंदर हमारे मेंबर्स के पीटीआई जो है वो क्या डिलीवर करेगी, जब आप इमरजेंसी की बात करते हैं एजुकेशन के अंदर या हेल्थ के अंदर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है तो कैसे ये लोग करेंगे, वेयर आर दोज पीपल। तो आज जो है आपको बहुत डिटेल में जो है फिरोज खान साहब इस चीज के ऊपर बताएंगे, असद बताएगा जो आईडब्ल्यू का कोऑर्डिनेटर भी है इंटरनेशनली और बहुत सारी चीजों के अंदर ही इज इन्वॉल्व्ड, तो ये सारी चीजें। लेकिन हमारे हवाले से ये कि बहुत सारे बिफोर पीपल एक्चुअली गेट इनटू आईडब्ल्यू या थिंक टैंक्स के अंदर एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि कोई भी पीटीआई का मेंबर जब बात होती है, जब पता चलता है, तो एक स्किल एनालिसिस हो रहा होता है कि हर बंदा यहां बैठा किसी न किसी शोबे के साथ ताल्लुक है उसका, वो इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, आईटी के साथ भी हैं, पीएचडीज भी हैं, लॉयर्स हैं, तो ये लोग जब मेंबर्स बन जाते हैं तो दैट्स नॉट इनफ, तो दे हैव टू बी टेकन फॉरवर्ड। तो उसके अंदर ये है कि फिर आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास एक ऐसी
तंजीम होनी चाहिए कि जो उनकी इनपुट को उनकी एक ऐसे अंदाज के अंदर लेके जाए कि जो आपकी लीडरशिप तक पहुंचे और वो लीडरशिप जो है इसकी रिफ्लेक्शन करे कि जब वो सवाल उठाए जाते हैं कि जी आपके पास पॉलिसीज क्या हैं। तो इसका मकसद एक फॉर लास्ट मेनी ईयर्स के बहुत सारे लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं इसी तरीके से कि किसी का फोन आ गया, ईमेल आ गई पाकिस्तान से यूके के अंदर कि जी हम ये करना चाहते हैं। और इनिशियल डेज के अंदर हमारे पास वो एक याहू ग्रुप था, फोरम था, लेकिन इट वाज नॉट कंड्यूसिव। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी एक प्रॉपर वेबसाइट भी है जिसके बारे में असद विल गो इनटू डिटेल। और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पहले काम कर रहे थे अब पाकिस्तान में जाके काफी काम कर रहे हैं, निबिया चौधरी है, हबीबुर रहमान है, उमैस है, तो ये सारे आईआरडब्ल्यू के हवाले से ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं। दे आइडेंटिफाई पीपल और उसके अंदर जो है आपकी तीन स्ट्रीम्स आ रही हैं, एक तो आप इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि जो लोग पीटीआई के जो है थिंक टैंक्स के अंदर या पॉलिसीज के अंदर अपना बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। उसके अंदर इंटरनेशनल यूथ काउंसिल्स के भी लोग आए हैं, काफी सारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान के अंदर और यहां भी, तो इन इंस्टीट्यूशंस को भी किस तरीके से अंदर लेके आना है, तो ये चीजें चलती हैं। लेकिन उसके लिए आपको बड़ा एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिस तरीके से जो है ना, तो उसके ऊपर बात होगी। और लास्टली बेसिकली के किसी भी चीज के अंदर जो है ना एट द टॉप लेवल के आपकी एक लीडरशिप आती है, लीडरशिप का एक विजन होता है, उस विजन को आपने एक्सिक्यूट करना होता है और उसकी एक्सिक्यूशन जो है आपकी एक पॉलिसीज के जरिए होती है। तो उसके जो नीचे जो टेयर होता है फिर आपकी टीम्स डेवलप होती हैं, उसके अंदर आईआरडब्ल्यू हो गया, आईपीएफ आ गया, इंसाफ प्रोफेशनल फोरम है, उसके अंदर मुख्तलिफ विंग्स हैं, वो लोग उन चीजों के ऊपर काम करते हैं, फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सा डेवलप होता है। फॉर इंस्टेंस के आज जो है ये सारी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग शजील के ये मेरे ख्याल इस वक्त ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इंटरनेट पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो ये चीजें चल रही हैं। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब इस चीज को बैठ के जो है वो देख रहे हैं कि ये किस चीज की हमने इब्तदा की है, तो ये चीजें चलती हैं। उसके निचले टीयर के अंदर जब आप आते हो तो उसके अंदर फिर इट्स यू गाइज के वो लोगों की इनपुट को जो है आप कैसे आगे लेके जाते हैं, तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी और आपकी इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी। तो इन सारी चीजों का बेसिकली मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से हमने पाकिस्तान के हवाले से जो है ना एनीथिंग वी कैन कंट्रीब्यूट। और खान साहब हमेशा कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज आर आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड ही हैज बीन सेइंग इट फॉर लास्ट मेनी मेनी ईयर्स। तो आई थिंक टाइम आ चुका है कि अब वी स्टार्ट डिलीवरिंग और उसके अंदर जो है ये सारी चीजों को किस तरीके से कोहेसिव अंदाज से हमने आगे की तरफ लेके जाना है। और माशाल्लाह एवरीडे इवन इस इवेंट के हवाले से भी दो पहलू बड़े अच्छे नजर आए कि एक तो प्रोपगेशन हो रही थी हमारी वेबसाइट्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे जा रहा था और उसके अंदर हमारी ट्विटर टीम्स हैं, सोशल मीडिया की टीम है, तो उन लोगों ने काफी इसको प्रोपोगेट किया। लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक डिस्कवरी मोड में भी हम चले गए कि बहुत सारे लोग डिस्कवर हुए इस प्रोसेस के नतीजे के अंदर कि हम आईआरडब्ल्यू के अंदर काम करना चाहते हैं, पीटीआई के अंदर वी वांट टू कंट्रीब्यूट। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे के लंदन के अंदर वी विल बी गोइंग थ्रू अ सिमिलर एक्टिविटीज। ये पहला और आखिरी फंक्शन नहीं होगा, वी आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, हर हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो इट्स बेसिकली अप टू यू कि किस तरीके से आप अपनी अपनी स्किल सेट के, अपने अपने इंटेलेक्ट, अपने अपने एक्सपीरियंस और अवेलेबिलिटी के हवाले से कैसे जो है आप इस चीज को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे कहते हैं आई विल नॉट बी टेकिंग मच लॉन्गर क्योंकि फेरोज खान साहब इज गोइंग टू बी गोइंग इन डिटेल। तो बस मकसद ये था और दूसरा ये कि बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू और इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आसिम भाई। मेरे अगले मेहमान हमारे बहुत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कवि अवान साहब ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से 1979 में जब मैं बहुत छोटा था, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन कर रखी है, पाकिस्तान के अंदर वापडा, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर काम करते रहे हैं, इंग्लैंड में बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े सीनियर लेवल पे स्पेशली टेलीकॉम के डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इनका फील्ड है, 1997 से पीटीआई से वाबस्ता है। ये हमें आज पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैं दावा देता हूं जनाब कवि अवान साहब का। सॉरी मेरा कम्युनिकेशन जरा अपना
जो लिंक का ड्रॉप हो गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आसिम खान साहब ने, मैं सबसे पहले तो फिरोज खान साहब को खुश आमदेद कहता हूं और उम्मीद है कि वो पॉलिसी के मौजू पर तो डिटेल से वही बात करेंगे। मेरे जहन में जो एक बात आई थी, मैं जानता हूं आज से कोई 12 साल पहले जून 1998 में मैं और मेरे एक दोस्त आसिम इफ्तिखार अहमद, वो पावर जनरेशन में काफी हाई पोजीशन पे काम कर रहे हैं मित्सुबिशी के साथ, सैफुल मुल्क और नारायण कागान उधर गए थे और बड़ी खूबसूरत वादियों से गुजरे और वहां पर जो झरने देख के छोटे छोटे नाले बहते देखे तो जहन में आया कि हम इस कुदरत के दिए हुए अतीय को किसी प्रोडक्टिव तरीके से क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद बात जो है वो हम उस वक्त इतना क्राइसिस नहीं था पाकिस्तान में, 1998 की बात है, जून 1998 की जो क्या है। मैं शर्जील से कहूंगा कि वो अगला क्लिप शर्जील मेरे कम्युनिकेशन लिंक पे जाके ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो अभी पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन करके पाकिस्तान को माशी तौर पर ये जो बिजली की और जो एनर्जी का जो शॉर्टेज है ये कितना नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन।